सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो भाई चलो अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं दूंगा, तो खैर सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेन इस वीडियो का मोटिव रहेगा कि मैं ये डिस्कस कर सकूं कि श्रीगंगानगर अबोहर बठिंडा सेक्शन पर पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कब दिया जाएगा यार। तो भैया ये बात है कुछ 8 नवंबर, 7 या 8 नवंबर की। तो भैया श्रीगंगानगर से अम्बाला कैंट एक्सप्रेस 14735 चलती है, उसका लोकोमोटिव हो जाता है फेल। WDC-4D उसमें लगा हुआ था, तो भैया वो फेल हो जाता है, तो उसे रेस्क्यू करने के लिए बठिंडा भेजते हैं सीधा ही WAP-7, जो उसे बठिंडा में मिलना था। मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि 14735 को बठिंडा से अम्बाला के बीच में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलता है, तो भैया वो लोकोमोटिव बठिंडा अबोहर भेज देता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अबोहर से बठिंडा पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, कोई ट्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो भैया प्रॉब्लम आ रही है श्रीगंगानगर, तो वो मैं बताऊंगा क्यों। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 30456 नंबर WAP-7 आया था अबोहर में, और आप पूछेंगे कि क्या सोर्स है, कहाँ से पता चला। तो भैया हमारे एक यूट्यूबर है, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी, उनका लिंक मैं दे दूंगा। मैं उनकी वीडियो यूज़ नहीं कर सकता कुछ इशू के कारण, तो खैर वो हटाइए। तो भैया उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया अब मैं आपको बताता हूँ मेन कारण क्या है। तो भैया जो श्रीगंगानगर है ना, देखिए आप मैप में देखिए, श्रीगंगानगर से निकलते हैं तीन तीन रूट भैया, तीन तीन रूट। तो इन सेंस अबोहर में भी निकलते हैं। आप कहेंगे यार अबोहर में भी तो तीन रूट निकलते हैं, लेकिन भैया अबोहर से इतनी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, श्रीगंगानगर से भर भर के ट्रेनें ओरिजिनेट होती है। तो भैया जो मेन मेरा बताना चाहता हूँ कि श्रीगंगानगर से बठिंडा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ़िलहाल क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए तीन रूट, तीन साइड, एक गजसिंहपुर तक इलेक्ट्रीफाइड है, हनुमानगढ़ तक इलेक्ट्रीफाइड है, अबोहर आगे तो अबोहर बठिंडा, बठिंडा तक पूरा इलेक्ट्रीफाइड है भैया। अबोहर साइड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक मोड लोकोमोटिव चल जाने चाहिए थे। तो भैया देखिए इतने सारे रूट को चाहिए पावर, मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ऑब्वियसली, ऊपर वायर्स में चाहिए करंट। तो वो करंट जितना भी है, श्रीगंगानगर से गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से अबोहर, तो ये सब के लिए किधर ना किधर बन रहा होगा TSS, TSS ट्रैक्शन सब स्टेशन, जहाँ से सप्लाई जाती है इलेक्ट्रिक वायर्स को। और ऐसे सीधी नहीं जाती भैया, जितना सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ उतना सिंपल खैर होता नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में कारण बता रहा हूँ कि क्यों नहीं अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चल रहे। तो भैया ये न्यूज़ है सितंबर की, मेरे को डेट अच्छे से नहीं याद, 10 सितंबर या अगस्त, मेरे को अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा, सितंबर या अगस्त में अबोहर को 25 KV सप्लाई दी गई थी, ये मैंने न्यूज़ दी थी। तो और न्यूज़पेपर में भी आया था कि 25 KV सप्लाई दी गई है अबोहर तक। तो ये जो सप्लाई आ रही थी, तो ये आ रही थी मेजरली बठिंडा से, और ये सप्लाई के चलते अबोहर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ सकते हैं, उनको करंट मिल रहा है तो वो रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और मेरी ये बात प्रूव करने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि श्रीगंगानगर को करंट नहीं मिल रहा है, श्रीगंगानगर को वायर्स में सप्लाई नहीं मिल रही। क्या आपने कभी ये न्यूज़ सुनी है कि श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर के बीच में कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आया हो गुड्स ट्रेन के साथ भी? तो मेरे ख्याल से तो नहीं आता, गुड्स ट्रेन के लिए भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं आता। उसका कारण एक ये भी है, शायद ढोलीपाल में SSP बन रहा था, या मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि कहीं पर SSP बन रहा है, तो जहाँ पर भी बन रहा है वो SSP की भी प्रॉब्लम है। तो हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर तो वैसे भी नहीं आ सकते। और बची अबोहर से श्रीगंगानगर की बात, तो मेरे ख्याल से जो बठिंडा का TSS है वो इतनी सप्लाई नहीं दे सकता कि वो बठिंडा से अबोहर तक भी दे दे। तो भैया अबोहर में आप पहले आप वीडियो में सामने देख ही पा रहे हो कितने ट्रैक्स हैं, मतलब कितनी वायर्स को करंट जा रहा है। तो भैया वो ये उसी TSS से आ रहा है, आगे SSP में मतलब इनकी पावर्स डिवाइड होती रहती है, तो वो खैर इतना हम टेक्निकली घुसेंगे नहीं, टेक्निकली बात हम इतनी नहीं करेंगे, मैं इतना टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, तो खैर वो हटाइए।
मेन बात यह है कि इतने सारे ट्रैक्स प्लस आगे अबोहर से श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर खुद कितना बड़ा है तो भैया इतना तो मेरे को नहीं लगता कि बठिंडा मैनेज कर लेगा अकेला। तो श्रीगंगानगर को अपना TSS चाहिए, तो वो मेरे को कोई रेल फैन अगर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या श्रीगंगानगर में TSS बन रहा है, या श्रीगंगानगर के आसपास श्रीगंगानगर गतसिंहपुर लाइन पे बन रहा होगा, क्योंकि वो TSS से ही सप्लाई जाएगी, वो TSS ही सप्लाई देगा अबोहर से श्रीगंगानगर के बीच भी। तो ये सीन रहेगा, इसलिए नहीं चल रहे अभी। और अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो भैया हो सकता है बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है, तो मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता। हो सकता है कि हमें न्यूज़ आ जाए कि 1-2 हफ्ते में ही मिल गए, और सच्ची बात बताऊं ये कहने में मेरा मन तो नहीं करता, हो सकता है शायद अगले जून जुलाई तक मिले, कई यूट्यूबरों ने ये कहा भी है, तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो मैं और इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि बठिंडा से सिरसा, मैं बहुत टाइम पहले मैंने देख लिया था कि बठिंडा से सिरसा इलेक्ट्रिफाइड है, मेरे को पता लग गया था बठिंडा सिरसा हिसार, बठिंडा से हिसार इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन बठिंडा से हिसार जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिले थे वो काफ़ी टाइम बाद मिले थे, काफ़ी टाइम लगभग 1-1.5 साल बाद मिले थे इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी। इवन कि बठिंडा से सूरतगढ़ भी कितने टाइम से इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काफ़ी टाइम बाद मिले। खैर एक और एग्जांपल दूँ बीकानेर की, तो भैया बीकानेर में हमें एक तो उल्टा देखने को मिला है, उल्टा इन द सेंस कि बीकानेर जस्ट इलेक्ट्रिफाइड हुआ था ताज़ा ताज़ा, कुछ ज़्यादा मेरे को खास टाइम नहीं लगता कि अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रिफाइड हुआ था, और 1-1.5 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ रखा था वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को लेकर सराय रोहिला से। और इसका कारण ये है कि बीकानेर में TSS बन गया होगा, मतलब बीकानेर में ऑब्वियसली बना होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बीकानेर के आसपास कहीं बन गया होगा, तो बीकानेर को अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है, तो श्रीगंगानगर में ये चीज़ पेंडिंग है। तो हो सकता है कि बीकानेर में काफ़ी पहले से ही बना दिया हो, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क स्टार्ट किया हो तभी बना दिया गया हो, और ये भी हो सकता है वैसे कि श्रीगंगानगर में भी बन गया हो जब ढोलीवाल वाला SSP बन जाए, उसके बाद क्या क्या पता इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दौड़ने चालू हो जाए कोई ऐसा, क्योंकि देखिए अगर हनुमानगढ़ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आएंगे ना, हनुमानगढ़ साइड से मतलब, तभी श्रीगंगानगर अबोहर में जा सकते हैं, क्योंकि भैया कनेक्टेड है ये सब, आपस में इंटरलेट है, वो मैं आपको कभी और डिस्क्राइब करूँगा उसका कारण क्या है, लेकिन आपस में कनेक्टेड है, मतलब हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर आएंगे तभी श्रीगंगानगर से अबोहर आ सकते हैं, इसका कारण लोको स्वैप है। तो खैर उसके बारे में कभी और बताऊंगा मैं। तो खैर मेरे ख्याल से तो ये TSS ही कारण बना हुआ है, और अगर TSS बना है तो SSP कारण बना हुआ है, और अगर दोनों कारण नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना क्या कारण है, क्योंकि फिर तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चल ही जाने चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मैंने सुना था कि श्रीगंगानगर अबोहर का CRS भी अच्छे से नहीं हुआ हुआ, तो ये भी सीन हो सकता है। तो मेरे जो आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने अपनी राय दे दी है, और मेरे को ये भी बताना कि अबोहर को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है क्या वो बठिंडा से ही आ रही है, मेरे ख्याल से तो बठिंडा से ही आ रही है, पर ये भी हो सकता है कि रास्ते में भी कोई TSS बनाऊँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई TSS बने, मलोट गिदड़वा अबोहर तीनों जगह SSP बने हैं, और मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे TSS बना है, अगर बना है तो मेरे को बताना कि कहाँ पर बना है, तो मैं अगली बार जर्नी करूँगा तो ध्यान ज़रूर दूंगा, क्योंकि जितनी बार मैंने जर्नी की है मैंने देखा है कि ये तीन जगह पर SSP है और बठिंडा में TSS है, तो अगर किधर और है तो मेरे को बताना ज़रूर। तो भैया मेरी तरफ़ से इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आप अपना राय और सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।